हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रीजनिंग की जर्नी स्टार्ट की थी और बहुत ही विधिवत तरीके से हमने एक चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर का नेम क्या है? डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बना सकते हैं। आज आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। इसको भी बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक इसमें मिलेंगी कि आप पहले कभी पढ़े हों या ना पढ़े हों इस चैप्टर को, डजेंट मैटर, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और प्रीवियस ईयर क्लासेस जो आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? तो आपको अपने इस चैनल पे, एडी स्मार्ट क्लासेस चैनल पे जब जाएंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे, तब आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं। जब आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे तब आपको सारी क्लासेस फ्री में मिल जाएंगी। तो आपको सभी क्लासेस को देखना है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर लिस्ट पे जरूर ऐड करिएगा आप, करेक्ट। इसके बाद ये तो रहा आपका ऑनलाइन का मैटर, ठीक है, जो कि आपको ऑनलाइन में और आने वाले समय में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। हिंदी हो गई आपकी, रीजनिंग तो आपका कर ही रहे हैं, एडवांस मैथ भी कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में आपको अर्थमेटिक भी मिलेगी। जीएस का पोर्शन भी बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है, और ऑनलाइन पे आपको इंडिविजुअल सारे बैच मिलेंगे। हाँ, अभी बस स्टार्ट होने ही वाली है सीरीज। जैसा कि ये तो रहा आपका ऑनलाइन का, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो अपनी कोचिंग कल्याणपुर में क्रॉसिंग के पास है, एडी स्मार्ट क्लासेस नाम से अपनी संस्थान है। तो जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में आने के लिए इंटरेस्टेड हों तो वो आ सकते हैं, और ऑनलाइन तो आपको फ्री मिलेगा ही सारा सारा, ठीक है। इसके साथ साथ जो बच्चे मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको ऑफलाइन में भी बहुत कम कॉस्ट लिया जाता है, ठीक है, बहुत ही कम कॉस्ट लिया जाता है। उसके साथ साथ ऑनलाइन को उनको बिल्कुल फ्री मैटर मिलता है, करेक्ट। अब बात ये आती है कि ऑफलाइन में आपके बैचेस जो हैं किस प्रकार से चलते हैं। तो मेरे यहाँ बैचेस इंडिविजुअल भी चलते हैं और सभी एक साथ भी चलते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल बैच आपके सारे चलते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, जीएस, हिंदी एंड इंग्लिश। तो मेरे यहाँ जो बैच चलते हैं ना, तो ऐसा नहीं किसी एक एग्जाम को केवल टारगेट करके पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं। जैसे कि मान लो कि रीजनिंग या मैथ की बात करें हम अपने, ठीक है, तो स्पेशल बैच चलते हैं यहाँ पे। जैसे कि रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग स्पेशल बैच, ऑल ओवर इंडिया में रीजनिंग जिस किसी भी एग्जाम में आती है आपको पूरा क्वालिफाई कराएगी, करेक्ट। ऐसे इवन मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लूँ, मैथ की बात कर लूँ, तो मैथ का भी बिल्कुल स्पेशल बैच चलता है आपका, जो कि आपकी मैथ जहाँ कहीं भी जिस एग्जाम में भी आपकी आती है सारा कुछ क्वालिफाई कराएगी। और ऐसा ही आपका इंडिविजुअल बिल्कुल स्पेशल बैच चलेंगे, करेक्ट। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी बैच पढ़ा यहाँ से, इवन मैं मान लो कि रीजनिंग, तो आपने इस ऑथेंटिक वे से सोचा कि नहीं, क्या इस लेवल का मुझको पढ़ाया जा रहा है कि केवल मेरा जीडी या एमटीएस लेवल तक ही क्वालिफाई होगा, तो ऐसा नहीं है, करेक्ट, ऐसा नहीं है। एक बार आप यहाँ पे पढ़ के देखिए ऑफलाइन में, बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, जैसा कि ऑनलाइन आप देख पा रहे होंगे ना। अगर कल्याणपुर क्रॉसिंग के आसपास अगर आना चाहें आप, यहाँ पे रह के पढ़ना चाहें, ऑफलाइन इच्छुक हो तो आ सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम कॉस्ट लिया जाता है यहाँ पे। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय आपका बैच चलता है, करेक्ट, इंडिविजुअल भी चलता है और सबका एक साथ कंपाइल किया हुआ भी चलता है, करेक्ट। तो आप अगर इच्छुक हो तो आके यहाँ पे ऑफलाइन एक बार डेमो ले सकते हैं, करेक्ट। चलिए, और ऑनलाइन तो आपको सारी चीज फ्री मिलेंगी। तो स्टार्टिंग करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा है? रीजनिंग का क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। तो देखते हैं घन और घनाभ में आपके क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। उससे पहले कुछ इसमें बहुत ही बेसिक कंसेप्ट अंदर तक के पता होने चाहिए, उसके लिए आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। फॉर्मूले आपको, ये नहीं कि फॉर्मूले आपको रटाएंगे, ऐसा नहीं, विद कंसेप्ट प्रूफ के साथ आपको बिल्कुल एक 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 वर्ड आपको बताएंगे कि आया तो क्यों आया, ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, करेक्ट। स्टार्टिंग करें, जर्नी को आके ले चलते हैं। चलिए चलते हैं आगे, इसका बैकग्राउंड पहले चेंज कीजिए। चलिए, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? क्यूब एंड क्यूबॉइड, बहुत बढ़िया। चलिए, हम एक
क्यू बनाते हैं, ये जो आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर है ना, ये कटिंग ऑफ क्यूब से है। ठीक है, चलिए वही देखते हैं अब आप कैसे इसके, सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूले कैसे जनरेट हुए वो बनाते हैं ना। चलिए ये आपका एक बिगर क्यूब बनाते हैं, करेक्ट। ये आपका एक सॉलिड क्यूब है ना। क्यूब कैसा होता है, कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड, गैस या लिक्विड? हाँ, ठोस चीज है आपकी ना, सॉलिड, सॉलिड क्यूब। चलिए ये आपका एक बिगर क्यूब है जिसकी डायमेंशन आपको दी गई है, और आपका जो क्यूब है हाँ ये क्यूब, क्यूब में जो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो होती है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी इक्वल होती है ना, लेंथ और ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हाँ, पहले हम पढ़ेंगे क्यूब, इसके बाद कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, क्यूबॉइड। पहले पढ़ेंगे घन, इसके बाद जब घन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो घनाभ को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको केवल हाँ घन को अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद इसी से ही कंपाइल किया हुई आपके को फार्मूले बन जाते हैं घनाभ के। घन आपने अगर अच्छे कंसेप्ट से क्लियर किया है तो घनाभ कंसेप्ट आपका बहुत ही इजी बन जाता है। चलिए तो सबसे पहले हम क्यूब को फिनिश करेंगे, हाँ बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, हाँ ट्रिक के साथ और रिलेवेंट आए हुए क्वेश्चन, करेक्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट आपको इसी में कौन सा पढ़ना है, क्यूबॉइड, घनाभ। तो पहले पढ़ेंगे घन, और घन में आपको पता होना चाहिए इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है सभी क्या होती है, इक्वल। आप इसमें किसी को भी आप लंबाई बोल सकते हैं, किसी को भी चौड़ाई बोल सकते हैं, किसी को भी ऊंचाई बोल सकते हैं, करेक्ट। घन में लंबाई चौड़ाई आपकी सब बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसकी हमने आपको डायमेंशन दे दी, हमने इसकी डायमेंशन दे दी क्या, 10 × 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, हमने इसकी डायमेंशन आपको दे दी 10 × 10 सेंटीमीटर की, कितने कितने 10 × 10 सेंटीमीटर की, करेक्ट। इस डायमेंशन में आपकी मर्जी, घन और घनाभ में आपको बता दिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी की जो वैल्यू होती है सब इक्वल होती है, सभी बराबर होती हैं। तो आप इनमें से किसी को भी लंबाई बोल सकते हो, किसी को भी चौड़ाई बोल सकते हो, किसी को भी आप हाइट ऊंचाई बोल सकते हो, करेक्ट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होनी चाहिए। तो आपकी अब इसमें डायमेंशन की वैल्यू आपको कितनी कितनी दी गई है, तो आप देखिए यहां से 10 × 10 सेंटीमीटर की, तो मैंने कह दिया आपकी इसको मान लिया मैंने लंबाई, जो कि कितनी वैल्यू दी गई इसकी 10 सेंटीमीटर, ये बिगर क्यूब लेंथ है, हाँ करेक्ट। इसको मान लिया मैंने चौड़ाई बी, जो कि आपकी क्या है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। आप फ्री होते हैं इसमें, बिल्कुल अपने मन के राजा होते हैं कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी में किसी को भी मान सकते हैं, करेक्ट। किसमें, किस कंसेप्ट में, जब आप घन पढ़ रहे हो क्यूब, इसको बी माना जो कि वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, ये बिगर क्यूब लेंथ है, और इसको मान लिया मैंने हाइट, करेक्ट। इसको मान लिया मैंने हाइट जो कि कितनी है, सभी की डायमेंशन इक्वल है, ये भी आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये आपकी बिगर बड़े घन की डायमेंशन थी, करेक्ट। ये आपकी बड़े घन की डायमेंशन कितनी 10 × 10 × 10, बहुत बढ़िया, 100% क्लियर। चलिए अब इसको, इस बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में आपको कट करना है, वो भी कितने 2 × 2 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब में आपको कट करना है, 2 × 2 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब में अब इसको आपको क्या करना है, कट, करेक्ट। 2 × 2 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब में करना है कट। जब आप इसको कट करेंगे तो कितनी वैल्यू निकलेगी आपकी 5, हाँ यहां पे भी आपकी कितनी निकलेगी 5, यहां पे भी आपकी वैल्यू हो जाएगी 5। बिगर क्यूब लेंथ कितनी थी 10 10 सेंटीमीटर की, स्मॉलर क्यूब लेंथ क्या है
आपकी दो दो सेंटीमीटर में इसको कट करना है, तो कितने पार्ट आपको कट करने पड़ेंगे? आप बोलेंगे सभी जगह से आपको फाइव फाइव पार्ट कट करने पड़ेंगे। ये जो आपको फाइव निकला है ना, यही आपका क्या होता है, एन, यही होता है आपका एन। आगे धीरे धीरे सब बताएंगे, पहले इसको कट करना सीख लें, कट कैसे करेंगे। करेक्ट, ये आपका क्या है, सॉलिड क्यूब, हाँ, ठोस घन। इस घन में अब करते हैं हम कलर, है ना, कलर करते हैं। और इस ठोस घन को हमने कलर किया ऑरेंज, इसमें ऑरेंज कलर किया, करेक्ट। सॉलिड क्यूब में हमने पेंट कर दी किससे, ऑरेंज कलर से, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, अब आपको कट कितने करना है, फाइव। और जो आप जब कट करेंगे ना, ये कट पता है नंबर ऑफ पार्ट से एक कम कट करेंगे, तभी आपके फाइव टुकड़े निकलेंगे, करेक्ट। कट आपके कितने करने हैं, पांच। पांच कट करने के लिए आपको चार बार ऐसे चाकू चलानी पड़ेगी, करेक्ट। कितने, चार बार, नंबर ऑफ पार्ट से एक कम। चलिए, तो कट करने का पहले कंसेप्ट सीखते हैं, कट इसको कैसे किया जाए। चलिए, ऐसे लाइक दिस, टू थ्री एंड फोर। देखिए, जब आपने फोर बार कट किया तब पांच पार्ट हो गए आपके, वन टू थ्री फोर फाइव, जो कि कितने कितने सेंटीमीटर के हैं। आप बोलेंगे टू 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 सेंटीमीटर के, करेक्ट। दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, करेक्ट। चलिए, अब इसको ऐसे भी कट, ऐसे कट लगाना पड़ेगा ना इसको, ऐसे यू, ऐसे। अभी आप इस साइड से लगा रहे हैं ना, इस वाली साइड से अभी आप लगा रहे हैं कट, और ऐसे ये, और ऐसे वन, हाँ, ऐसे ये टू, और ये थ्री, और ये फोर। नंबर ऑफ पार्ट से एक कम कट लगाओगे तभी आपके पार्ट इक्वल होंगे, फाइव, करेक्ट। अभी आपने कहा इस वाली साइड से लगाए कट, हाँ, इसको बोलते हैं एज, हाँ, एज, करेक्ट। चलिए, अभी आपने कहा लेंथ वाली साइड से लगाए, अब आप ब्रेथ वाली साइड से भी लगाइए, नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, नंबर ऑफ पार्ट से एक कम। जब आप इधर से कट लगाएंगे, चार बार कट, वन टू थ्री और ये फोर, करेक्ट। अभी आपके केवल एक सरफेस से ही, हाँ, स्मॉलर जो क्यूब है आपके केवल एक सतह से ही केवल अभी दिख रहे हैं, पर आपको सभी सतह से निकाल लेना। तो अभी आपने एल साइड से लगा दिया और बी साइड से लगा दिया, अब आपका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि यहां से भी एच साइड से भी आप लगाइए, इसको बोलेंगे एच, करेक्ट। चलो, यहां से आप लगाइए नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, वन टू, ये थोड़ा सा, हाँ, वन टू थ्री और ये फोर। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, करेक्ट। अभी आपने बिगर क्यूब को छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब में कट कर लिया, छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब में आपने अभी कट कर लिया। इसी के साथ साथ एक और बनाते हैं, हाँ, इससे थोड़ा सा छोटा, तब दोनों में कंपेयर करने में बहुत ही मजा आएगी। चलिए, एक और क्यूब बनाते हैं, एक और आप क्यूब बनाइए, करेक्ट। चलिए बनाते हैं, करेक्ट। अब ये छोटा एक और क्यूब बनाया, दोनों में कंपेयर करना है, कंपेयर करना है इसलिए। चलिए, इस वाले क्यूब की जो डायमेंशन है मैंने, इस वाले क्यूब की जो डायमेंशन है मैंने दे दिया आपको, नौ गुणा नौ गुणा नौ, नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन, करेक्ट, नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन। चलिए, चलो, इसकी जो मैंने डायमेंशन दी है आपको, इस वाले में, इस वाले में इसकी डायमेंशन मैंने दे दिया आपको नाइन,
9 × 9 × 9, हाँ ये आपकी बिगर क्यूब लेंथ है। हाँ जिसमें से आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि क्यूब जब पढ़ रहे हैं तब इसमें किसी को भी आप लेंथ मान सकते हैं, किसी को भी ब्रेथ मान सकते हैं, किसी को भी आप हाइट मान सकते हैं। मैंने कहा ये आपकी लेंथ है जो कि कितनी है 9 सेंटीमीटर, करेक्ट 9 सेंटीमीटर, ये सब आपके सेंटीमीटर में डायमेंशन है, समझ पा रहे हैं। इसको मैंने कहा आपकी ब्रेथ है जो कि कितनी है 9 सेंटीमीटर, ये मैंने कहा आपकी हाइट है जो कि कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब इस बिगर क्यूब को छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब में कट करना है, कितने अभी आपको बता रहे हैं, इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में आपको कट करना है, कितने 3-3 सेंटीमीटर, बिगर क्यूब को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में अब इसको करना है आपको कट। तो करते हैं ना कट, लगाते हैं ना कट, इसको आप जब कट करेंगे तो कितने पार्ट आपको निकलेंगे 3। आज सिमिलरली यहां से भी कितने पार्ट आपको निकलेंगे 3, यहां से भी कितने पार्ट आपको कट करने पड़ेंगे, पार्ट ने लेके आपके 3। चलिए अब बारी आती है इसको कट करने की, कट करने से पहले इसको करना पड़ेगा पेंट। हाँ इसमें करते हैं पेंट, किस कलर से किया जाए पेंट, हाँ करते हैं ग्रीन कलर से। हाँ ग्रीन कलर से इसमें पेंट करते हैं, कर दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अब बारी आती है इसको कट करने की, पहले कटिंग का कंसेप्ट समझ ले, हालांकि पोस्ट क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा कि आप कटिंग करके मुझको बताइए, नहीं डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिए, उस वेस में आप कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप बहुत इजीली क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो पहले हम आपकी, मेरा फर्ज बनता है क्या कि आपको विधिवत तरीके से बताया जाए कि ये कंसेप्ट है जो कि कैसे प्रूव हुआ, ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, जनरेट कैसे हुआ, सारी चीजें आपको फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करते हैं, ठीक है करेक्ट। अब इस वाले क्यूब की बारी आती है कि कट कैसे करें इसको, तो आपको भी पता है, हाँ चलिए आपको भी पता है आपके पार्ट कितने निकले हैं 3, यही आपकी एन की वैल्यू होती है, करेक्ट, ये आपके पार्ट कितने निकले 3, यही आपकी एन की, और नंबर ऑफ पार्ट से एक कम कट का लगाना है। कटिंग का कंसेप्ट क्या, जितने आपकी एन की वैल्यू लिखी है निकली है उससे नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, आपकी कटिंग की वैल्यू कितने कट करना है 3, 3 कट लगाने के लिए आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे, आप बोलेंगे 2, लाइक दिस 1 एंड 2। अभी आपने इस वाली एज से लगाया तो आपको इधर से भी तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपको स्मॉलर क्यूब निकालने, देखिए आपने केवल ऐसे निकाला, ऐसे काटा तो अभी ये पूरा का पूरा एक पीस निकला जो कि आपका छोटे छोटे पार्ट में कट नहीं हुआ। कट करने के लिए आपको तीनों साइड से लगाने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ से, लेंथ ब्रेथ और हाइट से, करेक्ट। चलिए यहां से लगाइए 1 कट, हाँ 2 कट, इसके बाद हाइट वाली भी आ जाइए एज पे 1 कट और 2 कट, तभी तो आपके 3-3 पार्ट बन गए, 1-2-3 1-2-3 एंड 1-2-3, बहुत बढ़िया। अभी आपने बिगर क्यूब को छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब में कट करना सीख लिया, हाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आपको यहाँ पे क्या है, ये जो आपके 3 निकला है ना, 3 ये सब आपकी क्या है, एन की वैल्यू ही है। हाँ ये आपको जो 3 निकला ये आपका क्या है, एन की वैल्यू, यहाँ भी जो आपको 5 निकला था ये भी आपका क्या था, एन। आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे एन जो होता है ये क्या होता है, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। हाँ एन इज इक्वल टू बड़े घन की भुजा अपॉन डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा, ये क्या थी, बड़े घन की भुजा कितनी थी 10 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितनी थी 2 सेंटीमीटर, कट किया तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 5, सारा कुछ आपको मिलेगा। अब इसको इतना कटिंग का कंसेप्ट सीखना था, कटिंग का कंसेप्ट हमने सीख लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, करेक्ट। चलिए फिर से आप देख लीजिए, हाँ तो यहाँ पे आपको बस अब कंक्लूजन निकल के ये आता है कि कट तो कर लिया, अब इसको कैसे डिफाइन किया जाए कि इसमें अब आप क्या क्या सोच सकते हैं, किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही जो आपके कट पीस निकले हैं ना, अब इसको लेजर लाइट से आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, जब आप इस वाले घन को कट कर चुके हैं ना, तीनों साइड से कट कर चुके हैं, जब इस वाले घन को आप बाहर निकालेंगे, हाँ इस वाले घन को आप बाहर निकालेंगे, हाँ और ये वाला घन भी आप सारे टुकड़े बाहर निकलेंगे, हाँ इस वाले को भी निकालेंगे तो ये भी आपका बाहर निकलेगा, करेक्ट। बात समझ में आ रही है,
ऐसा इस वाले में आ जाए तो इस वाले घन को आप देखो कट कर दिया, इसके बाद जब इसको बाहर निकालेंगे ऐसे खींच के, हाँ सॉलिड क्यूब था अब आपने कट कर दिया तो आप छोटे छोटे पीसों में ये कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। हाँ तो इसको भी आप जब निकालेंगे तो ये भी आपका कुछ निकलेगा, करेक्ट। इसको भी निकालेंगे ये भी आपका निकलेगा। तो अब आपको यहाँ से ये बताने चाह रहे हैं कि जो आप अब आपके कितने टाइप के आपके बनेंगे ये क्यूब घन जो है ये कितने टाइप के बनेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप डालिए हाँ हेडिंग क्या, घन के प्रकार कितने टाइप के ये बन सकते हैं। हाँ टाइप ऑफ स्मॉलर क्यूब, टाइप ऑफ स्मॉलर क्यूब, हाँ हैशटैग टाइप ऑफ स्मॉलर क्यूब। टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब छोटे घन के प्रकार, छोटे घन के प्रकार, करेक्ट छोटे घन के प्रकार, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आपके दीज आर ओनली फोर टाइप ऑफ स्मॉलर क्यूब। हाँ चार प्रकार के आपके घन बनते हैं, कौन कौन से होते हैं एक बार देखते हैं कौन कौन से होंगे। पहला जो आपका होगा, हाँ पहला आपका होगा कॉर्नर क्यूब। हाँ कॉर्नर क्यूब लिख लेते हैं नेम पहले, कॉर्नर क्यूब्स करेक्ट, शीर्ष घन। चलो अब चलते हैं अपने इस वाले पे आते हैं। अब देखिए यहां पे अब कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। आप मैंने क्या कहा, इस वाले जब आप क्यूब को बाहर निकालेंगे, इस वाले क्यूब को हाँ कट कट कर दिया, जब स्मॉलर क्यूब कट करने के बाद जब आप बाहर निकालेंगे तो देखिए कितनी सरफेस इसकी हाँ पेंट है। आप बोलेंगे देखिए इसको ऐसे करते हैं, ये देखो इस वाली सिंगल एज पे आइए, इस वाली एज पे करेक्ट, इस वाली एज पे आइए आगे नहीं, तो इस वाले सिंगल एज पे आप देखेंगे इसकी जो सिंगल वाले ये सरफेस है जो सतह है इसमें आपको कितनी एजेस दिख रही हैं। आप बोलेंगे चार, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब होंगे इसमें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पता है स्मॉलर क्यूब में कितनी सतह रंगी हो सकती हैं। हाँ मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब जो पेंटेड हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तीन, करेक्ट, तीन से ज़्यादा नहीं। अब देख लेते हैं कुछ इस ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या बता दिया मैक्सिमम सरफेस कितनी सतह रंगी हो सकती है। आप बोलेंगे तीन, तीन से ज़्यादा नहीं पर तीन से कम टू, हाँ वन और कलरलेस जीरो, ठीक है। आप देखते हैं कौन कौन से हैं वो, तो देखिए देखो किनारे कोने से देखते हैं पहले, करेक्ट कोने से। इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए आपको एक और बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप एक अच्छा से क्यूब बनाइए 3D एनिमेशन से। चलिए बड़ा सा बनाइए, मैंने क्या कहा एजेस देखो कैसे बनेंगे, इसकी एज जो होती है 12 होती है। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया देखना, वन टू थ्री और फोर करेक्ट, फाइव सिक्स सेवन एट हाँ नाइन टेन एलेवन और ये 12 करेक्ट। हाँ ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एज। हाँ एज ये जो आपकी लाइनें हैं ना कितनी है 12,
इन्हीं लाइनों को बोलते हैं हम एज, करेक्ट। अब आपको बताना ये चाह रहे हैं ये आपकी एजेस कितनी होती है, आपने बोला 12, करेक्ट। यहां पे आपको ये भी निकले कितनी एजेस हैं आपकी, 12। बहुत बढ़िया, 12 आपकी एजेस हैं, देख लिया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करेक्ट। यहां पे हम समझाना चाह रहे हैं इसको कोने, बात आ रही किनारे पे ना, कोने। इसके कोने कितने हैं? आप देखिए एक कोना आपका ये है, करेक्ट। इस वाली सतह पे आइए, इस वाली सतह पे, तो आप बोलेंगे इसमें देखो एक कोना आपका ये है, 2 3 और 4। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इमेजन भी देख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। कितने कोने हैं इस वाली एक सिंगल सतह पे आइए, इस वाली सतह पे आइए आप सरफेस पे, तो आपके जो कोने हैं ना, कोने कितने हैं, 1 2 3 4, करेक्ट। ये आपके आगे वाले हो गए, और इसके पीछे वाले भी तो हैं, वो कौन से हैं देखिए, इसके पीछे देखिए। अब ये इस वाली सरफेस पे आइए, इस वाली सरफेस पे, करेक्ट, बैक वाली सरफेस पे। एक कोना आपका ये हो गया, हाँ, सेकंड आपका ये हो गया, थर्ड आपका ये हो गया, और फोर्थ आपका ये हो गया। आई होप इमेजिन कर पा रहे होंगे ना, दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे बात ये आती है एज आपकी कितनी होती है, ये लाइनें, ये आप बोलेंगे 12, करेक्ट। बहुत बढ़िया, इसके बाद ये किनारे कोने शीर्ष कॉर्नर गन होते हैं, कॉर्नर क्यूब, ये कितने होते हैं, 1 2, देखिए सिंगल सतह से 4, बैक सतह से 4, कितने हो गए टोटल, 8। कोने कितने हो गए, 8। कॉर्नर क्यूब कितने हो गए, जो आपके कॉर्नर क्यूब्स हैं, इज इक्वल टू 8, ना ही 8 से कम ना ही 1 से ज्यादा, इनकी फिक्स वैल्यू होती है कितने, 8, करेक्ट। बहुत बढ़िया, चलिए इसीलिए आपको फिगर बनाया ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से एज का भी पता चलिए कितनी होती है, 12, और कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं किनारे वाले, आप बोलेंगे 8, जो कि फिक्स होती है वैल्यू, हाँ, जो कि फिक्स होती है कितनी, 8। बहुत बढ़िया, आते हैं बैक, बैक आइए यहाँ पे, चलिए ठीक है, चलो। तो देखिए इस वाले क्यूब में जब आएंगे तो देखिए आपका एक, तो देखो ये आपका कॉर्नर क्यूब है, करेक्ट, दिख रहा है आपको एक ये कॉर्नर क्यूब। इसके बाद इस वाले सिंगल एज पे आइए, ये भी तो आपका एक कॉर्नर क्यूब है, आपको दिख रही है दो सरफेस, पर एक देखिए इसके साइड में भी तो है, हाँ, वो भी पूरा जो आपका सॉलिड क्यूब है ऑरेंज कलर से पेंट किया गया है, करेक्ट। कोने कितने होते हैं आपके, 8, करेक्ट। बहुत बढ़िया, जो कि आपके कुछ आपको सीन हो रहे हैं, ये आपके कॉर्नर, इस वाली सरफेस पे आएंगे तो देखो 1 2, हाँ, ये भी आपका क्या होगा, कॉर्नर क्यूब, ये भी आपका क्या होगा, कॉर्नर क्यूब। इमेजिन करिए एक आपके नीचे है, अब इस वाली ये भी आपका क्या होगा, कॉर्नर क्यूब, ये आपका क्या है, कॉर्नर क्यूब किनारे वाला, ये भी आपका क्या है, कॉर्नर क्यूब। पर आपने जब यहां पे देखा तो कॉर्नर क्यूब कितने आपको सीन हो रहे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, होते कितने, 8। एक जो है वो आपको नहीं दिख रहा, वो छुपा हुआ है पीछे, और उसको इमेजिन कराने के लिए, इसी पहले डाउट ना हो इसी के लिए सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया। अभी जब इसको पेंट कर देंगे तो ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा तो जाएगा छिप, क्योंकि आपने कर दिया पेंट, है ये सॉलिड, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ। ये तो आपके 3 कौन है, ये कितनी सतह रहेंगे है? आप बोलेंगे 3, तो नंबरिंग कर दें, हाँ। कोने कोने वाले जो आपके होते हैं घन, इनकी मैक्सिमम सरफेस कितनी रंगी होती है, आप बोलेंगे अधिकतम सरफेस इसकी 3 ही रंगी हो सकती है, करेक्ट, चलिए 3। ये आपके वो घन है, ये आपके वो घन है जिनकी 3 सतह रंगी है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने क्या कहा, मैक्सिमम सरफेस कितनी रंगी हो सकती है, 3, 3 से ज्यादा नहीं, तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और इससे कम तो हो सकती है ना, इससे कम तो हो सकती है ना, बहुत बढ़िया, चलिए। अब वो कौन कौन सी है, आप देखिए इस वाले पे आइए, तो देखिए यहां पे आप देखिए ये वाला, करेक्ट, ये कितनी है, 2 सतह रंगी, इसके भी 2 सतह रंगी होंगी, इसकी भी 2 सतह रंगी होगी, ये आपके क्या है, मिडल क्यूब, हाँ, मध्य घन, ठीक है। ये भी आपकी 2 सतह रंगी होंगी, ये भी आपकी 2 सतह रंगी होंगी, ये भी आपकी 2 सतह रंगी होंगी, करेक्ट। एक ये, एक आपकी साइड में, करेक्ट। एज अ सिमिलरली इसकी भी 2 सतह रंगी होगी, ये इसकी भी 2 सतह रंगी होगी, इसकी भी 2 सरफेस रंगी होंगी, करेक्ट। इस पे आ जाओ, इस वाले घन में भी आपकी 2 सतह रंगी होगी, इस पे वाली भी 2 सतह रंगी होगी, इस वाले पे भी आपकी 2 सतह रंगी होगी, करेक्ट। यहाँ पे आइए, इसमें भी आपकी 2 सतह है, इसमें भी 2 सतह है, इसमें 2 भी सतह है, नंबरिंग कर लेते हैं ना, चलिए
एक ये सीन दिख रहा है आपको सामने और एक इसके नीचे है, करेक्ट। इसकी भी दो सतह रंगी होंगी, इसकी भी दो सतह रंगी होंगी और इसकी भी दो ही सरफेस आपकी रंगी हुई होंगी। एक आपको सीन हो रही, एक आपके इसके जस्ट बगल में, इसमें आ जाओ तो इसकी भी दो सतह रंगी होगी, इसकी भी दो सतह और इसकी भी दो सतह, हाँ इसकी भी दो सतह, इसकी भी दो सतह और इसकी भी दो सतह, इसकी भी दो सतह, इसकी भी दो सतह, इसकी भी दो सतह। हाँ अभी हमने कौन कौन से देख लिए, हमने देख लिया थ्री सरफेस कॉमन, ओनली थ्री सरफेस पेंटेड, ओनली टू सरफेस पेंटेड। अब बारी आती है ना वन सरफेस भी तो पेंटेड होंगे इसमें, चलिए देखते हैं वन सरफेस कौन कौन से है। आप देख रहे हैं ना वन सरफेस क्या मतलब, ये मध्य से निकाले जा रहे हैं, कौन से होंगे जो इनकी ज्यादा से ज्यादा एक ही सतह आपकी रंगी हो सकती है, करेक्ट। वो कौन से होंगे, ये आपके है ना, नंबरिंग कर देते हैं वन सरफेस कॉमन, वन लिखने का मतलब वन सरफेस इसकी केवल कॉमन ग्रीन मतलब कलर हो सकता है, वन 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 इसकी भी, ये भी, ये भी आपकी कितने सतह रंगी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपकी वन, करेक्ट। इसमें भी वन और इसमें भी वन और इसमें भी वन, अब तो कोई छूट नहीं रहा, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब हमने ये देख लिया कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब होंगे, जब बिगर क्यूब को हमने छोटे छोटे पार्ट स्मॉलर क्यूब में कट किया तब हमको यहाँ से दिखा कि कुछ घन ऐसे होंगे जिनकी तीन सरफेस रंगी हुई होंगी, कुछ घन ऐसे होंगे जिनकी टू सरफेस रंगी हुई पेंटेड होंगी, कुछ घन ऐसे होंगे जो जिनकी एक सरफेस पेंटेड होगी, ठीक है। पर अभी कितने हुई, ये तीन, और मैंने पहले ही आपको बताया था आपके पंते हैं चार प्रकार से, कितने चार प्रकार से, वो एक कौन सा है, वो आप हो जाता है एक इसका अंदर वाला पार्ट, ठीक है, इनर सेंट्रल, इनर सेंटर अंतःकेंद्रीय घन, वॉल्यूम को वो रिप्रेजेंट करता है, किसको, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। जब आप इसका इस मतलब कि पेंटेड पार्ट को, ये है सॉलिड घन, करेक्ट। अब जब आपने कट कर दिया, कट करने के बाद लेजर ऐसे दिखा देते हैं, कट करने के बाद देखिए जब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जब आप घटा देंगे तो हटा देंगे, ठीक है, तब आपके कुछ ऐसे घन होंगे अंदर के जो कि ये है सॉलिड क्यूब, वो ऐसे घन होंगे जो कि बिना कलर वाले होंगे, हाँ जो कि अंदर से निकले हैं ना, अंदर से निकले हैं, कलरलेस रंगहीन घन, बात समझ में आई, वो क्या होंगे आपके कलरलेस, क्योंकि वो अंदर से निकले हैं, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बढ़िया। इसका भी फंडा देख ले, कितने अच्छे से समझा, बहुत ही मजा आई, इसका भी देख लेते हैं फंडा। इसमें देखो कॉर्नर क्यूब कौन से हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे इसमें कॉर्नर क्यूब आपके क्या होंगे, एक तो आपका ये हो गया, करेक्ट, कॉर्नर क्यूब, हाँ चलिए एक तो आपका ये हो गया कॉर्नर क्यूब, हाँ एक आपका कौन सा हो गया, ये हो गया कॉर्नर क्यूब, ये कॉर्नर और ये भी कॉर्नर, क्योंकि दो आपको देख रही है एक नीचे, ये भी आपका कॉर्नर क्यूब होगा, ये भी आपका कॉर्नर क्यूब होगा एंड ये भी आपका कॉर्नर क्यूब हो गया, करेक्ट। इसके बाद दो सरफेस वाले भी तो कुछ होंगे, वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका ये है, कलर चेंज करिए, एक तो आपका ये है और ये है और ये वाला और ये वाला, ये और ये, करेक्ट। और कुछ रहेगा ना, एक आपका ये रह गया और ये ऐसे क्यूब्स हैं, हाँ देयर आर ओनली टू सरफेस पेंटेड, हाँ इसकी दो सरफेस पेंटेड होंगी, हाँ चलिए कुछ ऐसे हैं जो कि वन सरफेस पेंटेड है, वो कौन कौन से हैं, उनको भी तो देखना बहुत ही जरूरी है ना, चलिए वो आपके देखिए कौन से हैं, टू सरफेस, एक ये भी तो रह गया आपका, देखो ये भी तो आपका टू सरफेस पेंटेड है, करेक्ट, बहुत बढ़िया, अब तो कोई छूट नहीं रहा, नहीं चलिए अब वन सरफेस की बात आती है ना, हाँ वन सरफेस की, चलिए ये वाला, हाँ चलिए वो आपके कौन से होंगे, एक सतरंगे वाले, एक तो आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया मध्य घन, एक आपका ये हो गया, करेक्ट। तो यहां भी देखिए आपके तीन टाइप के, हाँ देयर आर, कितने टाइप के आपको दिख रहे हैं अभी, वन टू और थ्री, देयर आर ओनली थ्री सरफेस पेंटेड, देयर आर ओनली टू सरफेस पेंटेड, देयर आर ओनली वन सरफेस पेंटेड, पर एक और ऐसे होते हैं जो कि होते हैं कलरलेस, जो कि अंदर से निकले हुए होते हैं, तो उनमें ना ही कलर होता है
वो क्या जैसे अंदर की होती है स्थिति वैसे ही आपको निकले हुए, उसमें पेंट नहीं होता क्योंकि ये सॉलिड गन है, ठोस गन। आपने पेंट किया तो ऊपरी ऊपरी वाले सरफेस पे तो किया है, ऊपरी सतह पे किया है, हाँ। कट करने के बाद जो आप अंदर से निकलेंगे वो कहेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना फंडा समझ में आया? अब देखते हैं इनका फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, करेक्ट फॉर्मूला। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, हाँ पहले ऐसे कुछ कॉर्नर क्यूब होंगे जिनकी तीन सरफेस रंगी होंगी, हाँ। चलिए अब आती है फॉर्मूला लिखने की बात। पहला कॉर्नर क्यूब शीर्ष गन, शीर्ष गन आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया। शीर्ष गन जो होते हैं कोने से निकले हुए गन, हाँ कोने से। यहां पे देखिए इस वाले कोने से कितने गन होंगे, आप बोलेंगे किनारे वाले गन की संख्या हमेशा कितनी होगी, एट। कितनी? एट फिक्स रहेगी, एट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसकी जो हाँ सरफेस कितनी रंगी होती है इनकी, तीन सरफेस रंगी होती है, करेक्ट। कॉर्नर क्यूब शीर्ष गन सरफेस कितनी रंगी होती है, तीन, हाँ। जिनकी वैल्यू कितनी होती है, कितने होते हैं, आप बोलेंगे एट होते हैं ना सर, बहुत बढ़िया, हाँ एट। कितने होते हैं, एट। एट होते हैं। चलिए अब देखिए ये तो कॉर्नर वाले की बात होगी ना, अभी तो कॉर्नर वाले की बात होगी, अब आते हैं कॉर्नर वाले की बात होगी, कॉर्नर वाले देख लिए। इसके बाद आते हैं मिडल पे, हाँ। किस कौन सरफेस पे आते, इस पे आते हैं मिडल वाले, देखते हैं। दे आर ओनली टू सरफेस पेंटेड, दो सतह वाले रंगे पे आते हैं, उनको क्या बोलेंगे, मिडल क्यूब, हाँ मिडल क्यूब्स। इसको इसी क्यूब्स को मिडल क्यूब भी बोलते हैं और एज क्यूब भी बोलते हैं, EDGE एज क्यूब्स, बात समझ पाए, एज क्यूब्स, हाँ। मतलब मध्यगन, क्या बोलेंगे, मध्यगन, मध्यगन, मध्यगन। ये कितने होते हैं मध्यगन, हाँ ये मध्यगन कितनी सरफेस रंगी होती हैं इनकी, जो ज्यादा कितनी सरफेस रंगी होती है, टू सरफेस पेंटेड होती हैं, करेक्ट, इनकी टू सरफेस पेंटेड होती हैं। चलिए अब हम आपको फॉर्मूला निकालना बता रहे हैं, हालांकि बताना नहीं चाहिए फिर भी डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखानी चाहिए, पर आपको नहीं, इसका कुछ रीजन है। अब आपको बता रहे हैं फॉर्मूला निकला कैसे, मिडल क्यूब का, सेंटर क्यूब का और इनर सेंट्रल क्यूब का। चलिए चलिए फॉर्मूला बने कैसे, अब आपको ये बताने जा रहे हैं। अरे यार इसको क्या हो गया सर, चलिए फॉर्मूला आपके जनरेट कैसे हुई ये आपको बताने जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन, करेक्ट। चलिए अभी हमने आपकी ये कुछ ली है, मतलब क्या, एक सिंगल सरफेस ली है, यहां से देखिए कौन सी सरफेस ली है, अभी हमने केवल एक एक की सतह ली है, वो कौन सी सतह है आपकी, केवल ये वाली सतह, हाँ ये वाली सतह, केवल एक एक सतह ली है आपकी, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं ये फार्मूले जो हैं ये बने कैसे, एक्चुअली में बने कैसे, अब आपको जस्ट वही बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कुछ आपकी तीन सतह ले ली, वो भी आगे आगे वाली, हाँ आगे आगे वाली आपकी तीन सतह ले ली। इसके बाद हमने कह दिया कि इस बिगर क्यूब को कितने कितने पार्ट में कट किया गया है, चलिए इसको टू पार्ट में कट किया गया है ऐसे, मतलब थ्री पार्ट, एन की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी यहाँ पे, एन की जो वैल्यू होगी कितनी होगी यहाँ पे, थ्री, करेक्ट, थ्री,
हाँ, लेंथ आप जानते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों सभी आपकी इक्वल होती है किसमें, क्यूब वाले कंसेप्ट पे। चलिए, नंबर ऑफ पार्ट से एक कट कम लगाओगे तब आपके पार्ट 3 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इस वाले में आपको कट करना है 4, यहाँ पे एन की वैल्यू है आपकी 4। नंबर ऑफ पार्ट से कट जब करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, तो कितने कट लगाएंगे, 4 नहीं 3 लगाएंगे, 1, 2 और 3। बात समझ पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन, 1, 2, तभी तो, हाँ 3 कट लगाने हैं। चलिए, 1, 2 और ये 3। चलिए, इस वाले में आपकी एन की वैल्यू आपको गिवन है, एन इज इक्वल टू कट छोटे पार्ट स्मॉलर क्यूब, जब आपके जो पार्ट निकले हैं कट करने के बाद वो कितने निकले इसमें, 5। तो 5 कट लगाने के, नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, तो 5 कट लगाने के, 5 पार्ट बनाने के लिए आपको कितने कट लगाने के पड़ेंगे, 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और ये 4। इसकी डायमेंशन भी देख लेते, चलो देख लेते इसकी डायमेंशन कितनी कितनी दी गई होगी, 3 पार्ट करने के लिए ना, 3 पार्ट कट करने के लिए, हाँ बड़े घन की भुजा 12, इस वाले के लिए 12, जिस इसको आपको कट करना है छोटे छोटे स्मॉल क्यूब कितने, 4, हाँ इस वाले में आपको दे दी गया, मैंने दे दिया 12 × 3, 12/3 करेक्ट, तभी तो आपको निकलेंगे 4 पार्ट। और इस वाले में दे दिया हमने आपको 15/3, ठीक है, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। बात समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। जब इसको आप कट करेंगे, हाँ जब इसको कट करेंगे कितने पार्ट निकलेंगे आपके, आप बोलेंगे निकले ना सर कितने, 3। इस वाले में कितने निकले, 4। इस वाले में कितने निकले, 5। बहुत बेहतरीन। चलिए, अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके जो फार्मूले जनरेट हुए तो वो हुए कैसे, हाँ ना, बात ये आती है यहाँ पे, जो फार्मूले आपके हैं वो कैसे जनरेट हुए। हाँ, अब निकाल रहे हैं क्या, 2 सरफेस पेंटेड, हाँ मिडल क्यूब, एज क्यूब, मध्य घन, हाँ मध्य घन। चलिए देखते हैं ना मध्य घन कैसे निकलेंगे। देखिए, अभी आपने बना लिया, ठीक है, आपने सिंगल एज ली है केवल, हाँ सिंगल सरफेस, सिंगल सतह, ये वाली केवल एक सिंगल सतह ली है, हाँ केवल एक सिंगल सतह ली है। और आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं यहाँ पे कि आपकी जो एजेस होती हैं कितनी होती हैं, 12। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, हाँ कितनी एज, कितनी होती है एज, जो एज की जो संख्या होती है कितनी होती है आपकी, 12। चलिए, इसके बाद हमने केवल एक सरफेस ली है और एक सरफेस में कितने आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। बात समझ पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन। तो टोटल, हाँ टोटल 2 सरफेस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, हाँ टोटल टोटल 2 सरफेस की वैल्यू, हाँ टोटल टोटल 2 सरफेस, ओनली 2 सरफेस पेंटेड, देयर आर ओनली 2 सरफेस पेंटेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे कितनी है यहाँ पे, हाँ कितनी होती है, हाँ बताइए, अभी तो आप कितनी सरफेस ये देख रही है एजेस एक सिंगल सरफेस से, आप बोलेंगे 4, पर होती कितनी है, 12। कितनी होती है, 12। बहुत बेहतरीन, कितनी होती है, 12 करेक्ट। अभी आपकी क्या आई है, सिंगल सरफेस, हाँ सिंगल सरफेस, और सिंगल सरफेस है ना तो 12 × 1 करेक्ट। चलो, इस वाले में आप बोलेंगे 12, हाँ 12 तो होती है, चलो अभी देखेंगे उसके बाद, 12 तो लिख लिया, मल्टीप्लाई किसका किसका कराना पड़े, इसमें तो 1 का देख लिया। इसके बाद आप ये देखिए, मिडल क्यूब मध्य घन आपके कौन से होंगे इसमें, इस वाली, इस केवल इस वाली एज पे आइए, हाँ मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप केवल इस वाली एज पे आइए, इस वाली एज पे आइए केवल इसी को कंसीडर कीजिए, तो आपके ये दोनों तो हो गए क्या, कॉर्नर क्यूब, हाँ जिनकी कितनी सतह रंगीन है, आप बोलेंगे इनकी सर रंगीन है 3-3 सतह,
हाँ, तीन तीन सतह। और इस वाली केवल एज पे आइए तो आप कितने मिडल क्यूब मिले, कितने मध्य घन मिले, ओनली टू सरफेस पेंटेड। हाँ, तो आप बोलेंगे ओनली टू सरफेस पेंटेड। हाँ, कितने मिले आपको, एक। हाँ, यही तो एक केवल ऐसा है जिसकी टू सरफेस, केवल इस वाली एज पे आइए, हाँ, सीधी वाली वर्टिकल लाइन पे। तो आप बोलेंगे ये ऊपर वाले तो दोनों हो गए क्या कॉर्नर क्यूब, जिनकी देयर आर ओनली थ्री सरफेस पेंटेड। हाँ, ये आपको क्या बचा, टू सरफेस पेंटेड, देयर आर ओनली टू सरफेस, ओनली टू सरफेस, केवल और केवल दो सतह इसकी रंगी हो सकती है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसके बाद इस वाले पे आइए, इस वाले में भी इसको कंसीडर कीजिए, इस वाली एज को, किसको मैंने कहा, इस वाले पे आइए और इस वाली एज को आप कंसीडर कीजिए। इसके बाद इस वाले में भी आपको इस वाली एज को कंसीडर करना है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। आप देखते हैं यहां से, ये तो आपके क्या हो गए कॉर्नर क्यूब, हाँ, जिनकी थ्री सरफेस पेंटेड है। हाँ, आज सिमिलरली इस वाले में ये तो आपके हो गए कॉर्नर क्यूब जिसकी थ्री सरफेस पेंटेड है। अब इस वाली एज पे आप आइए तो देखिए टू सरफेस कितने पेंटेड है आपके, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इस वाले में देखेंगे तो एक तो आपका ये हो गया, एक आपका ये और एक आपका ये। बात समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब बारी ये आती है कि यहां से हम मिडल क्यूब की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो मिडल क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए, यहां से देखिए ये आपके क्या है पार्ट जो है क्या, यही तो आपके एन है, नंबर ऑफ पार्ट, यही तो आपके एन है, जो कि एन की वैल्यू कितनी थी, थ्री। एन की वैल्यू कितनी थी, कितने कट है, कितने डैश, आप बोलेंगे थ्री। बहुत बढ़िया। मिडल क्यूब के हिस्से में कौन सा पार्ट आया, मिडल क्यूब के हिस्से में कौन सा पार्ट आया, आप बोलेंगे केवल एक ही तो पार्ट आया मिडल वाले में। हाँ, मिडल वाले में तो केवल एक ही पार्ट आया। तो मिडल क्यूब को निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्ट से, हाँ, ये वाले कॉर्नर वाले घटा दो ना, जाहिर सी बात है। तो एन में से, हाँ, तो मैंने क्या कहा, एन में से आप कितना घटाएंगे, थ्री, थ्री घटाएंगे, थ्री घटाएंगे तो आपको जीरो, क्या घटाएंगे, टू। करेक्ट, एन आपका क्या है, थ्री। ठीक है, थ्री में से जब आप टू घटाएंगे तभी तो एक आपकी ए इस वाली से एक की वैल्यू निकलेगी, जो कि क्या है आपका मिडल क्यूब, क्या है मिडल क्यूब। समझ पाए, बहुत बेहतरीन। चलिए इस वाली एज पे आइए, ठीक है, इस वाली जब एज पे आएंगे तो मिडल क्यूब के हाथ में कौन कौन सा हिस्सा आया, आप बोलेंगे एक तो ये है और एक ये है। पर आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट, एन की वैल्यू कितनी है, फोर। तो एन में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, देखिए यहां भी आपको मिडल क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए कॉर्नर क्यूब को घटाना पड़ेगा, जिसकी संख्या कितनी है कॉर्नर क्यूब की, आप बोलेंगे वन और टू। तो एन से आपको टू यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। बात समझ में आई, चलिए इसमें देखते हैं, इस वाली केवल इस वाली एज पे आइए, हाँ, बाकी आप भूल जाइए, केवल इस वाली एज पे आइए। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपके मिडल क्यूब के हाथ में कौन कौन सा हिस्सा आया, एक आपका ये, दो और तीन। समझ पाए, इसमें मिडल क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉर्नर क्यूब को घटाना पड़ेगा, तभी तो आपके मिडल क्यूब निकलेंगे ना। समझ पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन। तो एन की वैल्यू कितनी थी, फाइव। हाँ, मतलब एन में से आपको कितना, दो घटाना पड़ेगा ना कॉर्नर क्यूब की, तभी तो आपके मिडल क्यूब की वैल्यू निकलेगी। समझ पा रहे, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर बार मिडल क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो माइनस करना पड़ रहा, हर बार मिडल क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आपको टू माइनस करना पड़ रहा, हर बार मिडल क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए कॉर्नर क्यूब की वैल्यू को आपको टू माइनस कराना पड़ रहा है। एजेंटेड, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई। आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, हुई होगी इस वाले पार्ट तक पहुंचने में, है ना। चलिए अब यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि अब यहां पे 12, हाँ, चलो अब यहां पे बात आती है कि हाँ मिडल क्यूब की तो देख लिया, अब यहां से आप ठीक है मिडल क्यूब देख लिया, अब मिडल क्यूब की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं ना, फार्मूला लिखे तब निकालेंगे ना। चलिए चलिए फिर से एक बार आप यहाँ पे रिपीट कर लीजिए, देखो फार्मूला हमको जैक लिखा देना चाहिए था, फिर भी मैंने सोचा कि आपको बता दें कि ये ओरिजिन हुआ कैसे, ये फार्मूला निकले तो निकले कैसे, हाँ, ये पता लग जाए तो बहुत बढ़िया है ना। पता भी तो होना चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो असल में आया कैसे, हाँ, कैसे कैसे फार्मूले बने, ये सारी चीज बेटा आपको आनी ही चाहिए। चलो हाँ, चलो इधर आओ। हाँ, तो देखो मिडल क्यूब मतलब क्या, एज, मध्य घन, हाँ, मध्य घन क्या,
मध्य घन को निकालने के लिए हर बार आपको क्या करना पड़ रहा है, हर बार आपको करना पड़ रहा है नंबर एन की वैल्यू से, एन की वैल्यू से आपको हर बार एन की वैल्यू से दो कम करना पड़ रहा है, ठीक है। ये मध्य घन, और आपको पता है ये जो आपकी मज एज होती है, एज होती कितनी है आपकी 12, हाँ तो 12 आपको इंटू कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो देयर आर ओनली टू सरफेस पेंटेड के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, देयर आर ओनली टू सरफेस पेंटेड के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका 12 इंटू n माइनस टू, 12 इंटू n माइनस टू, यहाँ से आपका ये फार्मूला जनरेट हो जाता है। आई बात समझ में, बहुत बेहतरीन। चलिए अब आप देखेंगे आपका कॉर्नर क्यूब हो गया, मिडल क्यूब हो गया ना, अब आप तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा आपका सेंटर क्यूब, हाँ सेंटर क्यूब। थर्ड आपका क्या है, थर्ड है आपका सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब्स इसकी सरफेस कितनी पेंट होती है, 1 सरफेस पेंटेड होती है, करेक्ट। केंद्रीय घन क्या बोलेंगे इसको, केंद्रीय घन, केंद्रीय घन। केंद्रीय घन करेक्ट, ये कितने होते हैं देखिए, अब बात आती है केंद्रीय घन आपके कितने होते हैं। चलिए फ्लैशबैक पे चलिए, हाँ आगे ही जाना पड़ेगा ना, ये है ना। अब देखो अभी आपने एज क्यूब से फाइंड किया, कंसीडर किया क्या एजेस, हाँ सब में एजेस कंसीडर की, इससे आपने क्या निकाला मिडल क्यूब की वैल्यू, हाँ। और मिडल क्यूब की वैल्यू को निकालने के लिए हर बार आपको कॉर्नर क्यूब की वैल्यू को घटाना पड़ रहा है, जो कि कितनी होती थी 1। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। 12 क्यों किया, क्योंकि आपकी एजेस होती है ना कितनी, अभी आपने सिंगल सरफेस पे कितनी एजेस देखी 4, और आप देखिए आप एक रूम में आए, हाँ आपका क्या रेक्टेंगल रूम होता है, और अगर आप किसी गोलाकार रूम में बैठे हो सर्कल वाले तो भाई उसकी बात अलग है, उसको नहीं कह रहे हैं रेक्टेंगल आप बैठेंगे, ठीक है। जनरली क्या होते हैं, देखिए आपकी सरफेस क्या होंगी, सतह, एक आपकी छत के ऊपर वाली, एक आपके नीचे, दो हो गई, एक आपकी अगल, एक आपकी बगल में, कितनी हो गई 4, करेक्ट। एक आपकी आगे, एक आपकी पीछे, कितनी हो गई 6, सरफेस कितनी होती है 6, करेक्ट। सरफेस कितनी होती है 6, बहुत बढ़िया सतह। इसके बाद इसी प्रकार आपको क्या बताया था मैंने एज, हाँ देखिए छत के ऊपर देखिए आपके कितने साइडें हैं, 1, 2, 3 एंड 4, छत के ऊपर वाली 4, और फर्श में भी आपकी 1, 2, 3 एंड 4, कितनी हो गई 4, 4, 8, और इसको सपोर्ट किए हुए जो पिलर है ना वो भी कितने हैं आपके 8, 4 नीचे फर्श के, 4 ऊपर एजेस हो गई छत की, हाँ कितनी हो गई 8, और 4 आपकी हो गई ये आपके कॉलम जो सपोर्ट किए हुए हैं वो वाली एज, टोटल कितनी होगी 12, 12। इसीलिए वहां पे मिडल क्यूब की वैल्यू क्या आई थी 12 इंटू n माइनस 2, फॉर्मूला जनरेट हुआ था, बहुत बेहतरीन। इसके बाद अब आते हैं सेंटर क्यूब की वैल्यू निकालना है, क्या सेंटर क्यूब की, चलिए देखो तो सेंटर क्यूब आपका कौन सा घन होगा, आप बोलेंगे ये वाला है ना सर, ये वाला, इसमें कौन से होंगे आपके ये और ये, ये और ये, करेक्ट। देयर आर ओनली 1 सरफेस पेंटेड, देयर आर ओनली 1 सरफेस पेंटेड, एक घन की एक सतह रंगे हुए, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा देखिए, अब आप देखिए यहां पे, यहाँ पे देखिए, ठीक है इस वाली एज पे देखो, देखो 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 ये आपका क्या है मध्य घन, हाँ केंद्रीय घन, सॉरी केंद्रीय घन, हाँ इस वाले में ये भी आपके क्या है, ये वाले आपके जो है इस वाले सिंगल सरफेस में कितने केंद्रीय घन है, आप बोलेंगे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं ना, 3, 3, 6, 3, 9, बहुत बढ़िया। ये आपकी वो घन है जिनकी केवल केवल एक सतह रंगी हुई है, जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए इस वाले पार्ट में आप आइए, इस वाले पार्ट में आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अगर मिड सेंटर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इधर देखिए एरो जाए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 नहीं करना है, फिर तो आपको कॉर्नर भी ऐड हो जाएंगे, हाँ वो नहीं, कॉर्नर मिडल दोनों ही ऐड हो जाएंगे, नहीं आपको क्या मैंने कहा 2 इंटू 2, तभी तो आप सेंटर क्यूब की वैल्यू निकाल पाएंगे। और देखिए 2 इंटू 2 जब करेंगे आप, 2 इंटू 2 करेंगे जब आप, तब आपका क्या होगा इस वाली एज पे आएंगे तो ये तो आपके 3 हाँ पेंटेड हो जाएंगे, ये भी आपके 3, पर ये आपके 2 पेंटेड होंगे, 2 सरफेस पेंटेड, ये भी आपके 2, ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2। मैंने यहाँ पे आपसे क्या कहा, यहाँ से आपके कहा सेंटर क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू 2 करिए,
इंटू टू जब करेंगे तो देखिए यहां से देखो, हाँ टू इंटू टू, तब देखो यहां से आपको मिडल क्यूब की वैल्यू को घटाना पड़ रहा है सेंटर क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा सिमिलरली मिडल क्यूब की वैल्यू को निकालने के लिए आपको सॉरी सेंटर क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए मिडल क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी पड़ रही है। तो क्या एन माइनस टू, एन माइनस टू तभी तो कहना टू इंटू टू, तो यहां से क्या हो जाएगा एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू सेंटर क्यूब पे निकालने के लिए, तब ये फाइनली बन क्या जाएगा आपका, बन जाएगा एन माइनस टू का होल स्क्वायर, एन माइनस टू का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? बहुत बेहतरीन, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका मिडल क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी सेंटर क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, एन माइनस टू का, एन माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए आपने केवल अभी क्या एक सरफेस से निकाला, ये अभी और केवल आपने एक सरफेस से निकालना है, और सरफेस सतह आपकी होती कितनी है बहुत अच्छे तरीके से आप ये आपको बताया, छः। तो इंटू कितने हो जाएगा, इंटू छः, सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपके आगे किसकी सेंटर क्यूब की वैल्यू। हाँ जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं ना, इसमें देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री सेंटर क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए मिडल क्यूब को आप माइनस करेंगे, इसको कंसिडर कीजिए, यहाँ से आप मिडल क्यूब को माइनस करेंगे और इसको कंसीडर कीजिए, यहाँ भी आप मिडल क्यूब को माइनस करेंगे एन माइनस टू, एन माइनस टू तभी तो आपकी सेंट्रल क्यूब की वैल्यू निकाला पाएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए सिक्स क्यों लिखा, सिक्स हमने इसलिए लिखा भाई क्योंकि आपकी सरफेस कितनी होती है सिक्स, अभी एन माइनस टू का होल स्क्वायर आपने एक सरफेस के लिए निकाला था, पर होती कितनी है टोटल सरफेस आपकी सतह, एक दो तीन चार पाँच छः अगल बगल ऊपर नीचे, हाँ चलिए आमने सामने, चलो और एक और रह रहा आपका, वो है आपका क्या इनर सेंटर, फोर्थ नंबर आपका क्या इनर सेंटर, इनर सेंटर क्यूब, इनर सेंटर क्यूब्स अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। तो इसका अंतः केंद्रीय घन देयर आर कितने, इसकी आपकी जो सतह होंगी एक भी सतह पेंटेड नहीं होगी, नो पेंटेड सरफेस, हाँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी जीरो, हाँ कलरलेस। इसको इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब भी बोलते हैं, और भी बोलते हैं इसको क्या कलरलेस क्यूब, क्या कलर लेस क्यूब्स, हाँ रंगहीन घन, हाँ रंग एक साथ में होगा रंगहीन घन, हाँ बिना रंगे हुए घन जिसमें एक भी सतह पे कलर नहीं होगा, कितने जीरो सरफेस, करेक्ट। इसका जो फार्मूला होगा, ये जो कलरलेस का फार्मूला होता है ना, क्या इनर सेंट्रल क्यूब का अंतः केंद्रीय घन का, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, किसको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, यहां से देखिए आप यहाँ पे अंतः केंद्र के, अब आपने सब सब पार्ट घटा दिए यहां से, इधर ये इधर ये इधर ऊपर नीचे से हटा दिया, तो कुछ आपके ऐसे होंगे जो इनर सेंटर अंदर से निकले होंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है एन माइनस टू का क्यूब, एन माइनस टू का क्यूब जो कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट उसका फार्मूला हो जाता है एन माइनस टू का क्यूब, हाँ यहां से, हाँ ये इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है जो कि वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, क्या हो जाता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाता है भाई एन माइनस, एन माइनस टू का, एन माइनस टू का होल क्यूब, होल क्यूब। बात समझ में आई? बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए तो इसके माध्यम से हम आप कंसीडर कर पाए कि हाँ ये मिडल क्यूब और सेंट्रल क्यूब का फार्मूला कैसे बना, समझ में आया भाई? बहुत ही बेहतरीन। अब जस्ट जितना कुछ पढ़ा है बस एक स्लाइड में आप लिख लीजिए, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा, करेक्ट। चलिए हाँ हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि देखो एक सिंगल सरफेस में, हाँ टोटल टू सरफेस, देयर आर ओनली टू सरफेस पेंटेड, कितने निकलेंगे आप बोलेंगे, एक सरफेस एक आपकी एज से निकला टू, और एज आपकी होती है कितनी 12, इसीलिए 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ भी 12 का, यहाँ भी 12 का, यहाँ कितने निकले आपके 2 इंटू 12 कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे यहाँ से ये हो जाएंगे 24, ये आपके निकलेंगे 12 ही होंगे, ठीक है। और इस वाले में आ जाइए, देखिए 1 2 3
हाँ थ्री तो होते हैं पर सरफेस आपकी एजेस होती है 12, तो कितने हो जाएंगे, 12 × 36। बात खत्म। अब जितना कुछ पढ़ा है एक स्लाइड में फिर से आपका रिकॉल करा देते हैं, एक स्लाइड में फिर से आपका देख लेते हैं। चलिए क्लू वर्ड से देखते हैं ना, आप देखो एक स्लाइड में फिर से आपको दिखाते हैं। थ्री सरफेस पेंटेड, हाँ फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं आपने अभी, या हाँ हैशटैग बढ़िया से लिखिए एकदम। फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं एक स्लाइड में फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। चलिए ढंग से देखना, थ्री सरफेस पेंटेड के फॉर्मूला, हाँ देयर आर ओनली थ्री सरफेस पेंटेड इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती थी इसकी, 8। देयर आर टू सरफेस पेंटेड, देयर आर टू सरफेस पेंटेड इसकी वैल्यू क्या होती थी, हाँ आप बोलेंगे 2 × (n-n-2), हाँ 12 × टू सरफेस पे, देयर आर ओनली टू सरफेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला क्या होता था, 12 × (n-2), करेक्ट। इसके बाद देयर आर ओनली वन सरफेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला होता था, देयर आर ओनली वन सरफेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला होता था, हाँ आप बोलेंगे क्या था, 6 × (n-2)² करेक्ट। और हाँ ये हो गया, दीज आर ओनली टू सरफेस पेंटेड के लिए फार्मूला था 12 × (n-2), और दीज आर ओनली सिक्स सरफेस का फार्मूला था 10 − 2³। बहुत हाँ होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, सॉरी होल स्क्वायर यहाँ पे था ना, देखिए हाँ यहाँ पे ये था मिडल वाला, हाँ ये था 6 × (n-2)² बहुत बढ़िया, 6 × (n-2)² दीज आर ओनली वन सरफेस पेंटेड, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद कुछ ऐसे थे जो कलरलेस होते थे, क्या रंगहीन गण, इन ये आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, किसको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, अंदर से निकल के आता है रंगहीन घर, कलरलेस घर, हाँ कलरलेस घर, तो इसका फॉर्मूला अंदर से हो जाता है, अंदर से निकलता है तो n − 2³ n − 2³। अब यहाँ पे बात आती है, ये जो देखो हर फार्मूले में n की जिक्र किया गया है, n का जिक्र किया गया, हर फार्मूलों में n का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n आपका क्या होता है, हाँ एन जो होता है ये होता है बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, हाँ बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, एन जो होता है ये क्या होता है आपका बिगर क्यूब लेंथ डिवाइडेड बाई स्मॉलर क्यूब लेंथ, हाँ मतलब क्या हुआ, एन जो है आपका क्या है, एन आपका जो है एन इज इक्वल टू बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा एजेंटेड, बहुत बढ़िया। n क्योंकि देखिए हर फार्मूले में आपको n का जिक्र किया गया है, तो n की वैल्यू को पता होना बहुत जरूरी है, जब तक आप n का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे किसी भी वैल्यू का, केवल कॉर्नर क्यूब के अलावा किसी भी वैल्यू का आप मान नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आई, बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया। और यहां पर लिख लेना टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो कि आपके एन क्यूब के फॉर्मेट में होते हैं, किसमें एन क्यूब के फॉर्मेट में होते हैं टोटल नंबर ऑफ, हाँ मतलब आपने जो बड़ा क्यूब है बिगर क्यूब इसको जब आपने छोटे घन में कट किया, हाँ जब आपने एन इज इक्वल टू बिगर क्यूब लेंथ और स्मॉलर क्यूब लेंथ की, हाँ जैसे कि मान लो आपका बिगर क्यूब लेंथ है आपका 12 सेंटीमीटर और स्मॉलर क्यूब है आपका 3 सेंटीमीटर, हाँ 3 मान लो, तो बड़े घन को जब आपने छोटे घन में कट किया तो आपकी जो n की वैल्यू निकली, हाँ कितनी निकली, आप बोलेंगे यहां से निकली आपकी 4। तो
तो हर बार आपको मतलब बिगर क्यूब को फोर पार्ट में कट लगाने के नंबर ऑफ पार्ट से एक कम कट लगाना पड़ेगा। जब आप छोटे छोटे कट करेंगे ना तो वही आपके निकलते हैं टोटल, जो कि आपके क्या होते हैं एन क्यूब के फॉर्म में। हाँ, एन क्यूब के फॉर्म में जो आपने सारे टुकड़े किए हैं ना, अगर उसका आप एन क्यूब कर दो एक बार में, तो सारे छोटे छोटे पार्ट जो आपने किए हैं एक बार में आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बात आई समझ में? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए तो आपको फिर से एक क्लास आपको एक बार फिर से आप रिमाइंड कीजिए, फिर से आप वीडियो को प्ले करना, इत्मीनान से एक से दो बार आप देखेंगे, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और बात आपको यहाँ पे आती है ना, किसी बच्चों को ये करने में अगर कठिनाई हो रही है, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर क्या भैया, कुछ नहीं, आपका एक ही फिर रोल है कि आप बस लिखाए गए फार्मूले याद कर लीजिए, करेक्ट। और जिनको असल में समझना है कि फार्मूले बने कैसे, उनको यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से ध्यान देना है, क्योंकि इतना बेसिक आपको कभी किसी कोई बताएगा नहीं भाई, करेक्ट। ऑनलाइन में तो कहीं मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है, फ्री में वो भी, और हम आपको सारा फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, करेक्ट। चलिए, एजेस कितनी होती हैं आपने देख लिया, एज जो होती है इसकी 12 होती है, कोने कितने होते हैं आपके 8 होते हैं, और इसी के साथ साथ आपका ये क्लास होती है यहीं पे स्टॉप। हाँ, क्लास होती है स्टॉप। स्टॉप करने से पहले क्लास स्टॉप पर बस एक क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। हाँ देखिए, अभी आपने फॉर्मूले पढ़ लिए ना, क्या है, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल घनों छोटे तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। हाँ, ए 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इंटू 3 सेंटीमीटर हाँ स्मॉलर क्यूब्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड। हाँ, जो आपने कट किए छोटे छोटे टुकड़े उनकी संख्या आपसे पूछी गई है। देखिए, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, हाँ एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, तो एन की वैल्यू यहां से आप फाइंड, देखो एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, हाँ 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। देखिए, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, जब इसको आप छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे तो कितना निकलेगा आपका 5 पार्ट, यही आपका क्या निकला एन। हाँ, यही आपकी लिख रही एन की वैल्यू, करेक्ट होता नहीं है, एन की वैल्यू क्या थी, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, तो यहां से आपने एन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपसे पूछा क्या गया है, तब बताइए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब मेड, हाँ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कटिंग छोटे छोटे पार्ट किए उसके, हाँ देखिए तब बनने वाले कुल छोटे छोटे घनों की संख्या बताइए। तो देखिए क्या होता था, टोटल के लिए फार्मूला क्या होता था, टोटल के लिए आपका फार्मूला होता था एन क्यूब के फॉर्मेट में, क्या एन क्यूब के फॉर्मेट में। हाँ, तो टोटल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, टोटल के लिए फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब के फॉर्म में, करेक्ट। तो एन क्यूब के फॉर्म में करने के लिए आपको करना पड़ेगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब क्या होता है आपका, 25 नहीं, वो तो स्क्वायर रूट होता है। क्यूब रूट क्या हो जाएगा इसका, 125, 125, 125, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी से आपने क्वेश्चन कर लिया। चलिए फिर से क्लास को अच्छे से रिकॉल करना, सारे फार्मूले याद होने चाहिए हाँ नेक्स्ट क्लास में पहुंचने से पहले। बाकी आज के लिए इसी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करेक्ट। तब तक के लिए ऑनलाइन में जितना भी क्लासेस आपको अभी तक प्रोवाइड करा दी गई हैं, सभी क्लासेस को आपको अगर नहीं देखा है तो किसी भी क्लास को देखने से पहले आपको क्या करना है, हाँ किसी भी चैप्टर को देखने से पहले सबसे पहले आप एक एक करके क्लासेस को देखिए, बीच में किसी क्लास को आपको नहीं घुसना है, आपको सारे क्वेश्चन फिर ऐसे लगेंगे कैसे वाहियात क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सीरियल से सभी क्लासेस को देखना है, बाकी ऑनलाइन में आपको सारे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। अभी हाँ कुछ ही समय बाद आपको सारी क्लासेस मिलने लगेंगी, जैसे कि आपका जीएस हो गया, हाँ रीजनिंग मैथ और एडवांस मैथ तो चली रही है, अर्थमेटिक भी आपको मिलने वाली है। हाँ कुछ टाइम का समय दीजिए, आपको सारी क्लासेस हिंदी भी मिलेगी, आपको इंग्लिश भी मिलेगी, करेक्ट। चलिए तो और एक बात और बता दें, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो अपनी ऑफलाइन कोचिंग है कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास, एडी स्मार्ट क्लासेस नाम से अपनी संस्था है। तो जो बच्चे ऑफलाइन के लिए हायर हों तो आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो आके आप एक बार डेमो ले सकते हैं, करेक्ट। इंडिविजुअल भी बैच चलता है और सबका कम्बाइंड बैच भी चलता है, ठीक है। तो एक बार आप डेमो लेकर जरूर यहाँ का लाभ उठाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।